मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स में जो ट्रिपल सी की मैं स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी क्रम में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउजर। आज मैं इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और WWW क्या है, उसका आविष्कार कब हुआ, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा और प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या है उसका भी नॉलेज मैं दूंगा। इससे पहले मेरी पिछली वीडियो में मैंने कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन से रिलेटेड ऑप्शंस को बताया हुआ है और आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ये वीडियो ट्रिपल सी ओ लेवल डीसीए एडीसीए इन सब टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं जो बच्चे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउजर। उसमें हम ये पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इंटरनेट का परिचय, हम जान लेते हैं इंटरनेट है क्या और इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल संग्रह है जो कि नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कॉल्ड ग्रेट नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये एक ग्रेट नेटवर्क है जहां सारे नेटवर्क आकर के विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब किसी नेटवर्क ऑपरेटर के माध्यम से यदि आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया तो वो उस ऑपरेटर का इंटरनेट नहीं, इंटरनेट एक अलग सिस्टम है, एक अलग इंटरफेस है जहां पर कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट राउटर डिवाइसेस के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरनेट जैसे मैंने कहा कि नेटवर्कों का नेटवर्क है, तो नेटवर्क की उत्पत्ति नेटवर्क से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस बनाई हुई हैं। जिसे भी नेटवर्क के बारे में जानकारी ना हो हमारी पिछली वीडियोस को जरूर देख ले। नेटवर्क पर जो वर्क स्टार्ट हुआ वो 1960 में स्टार्ट हुआ, बिकॉज 1957 में आर्पानेट की उत्पत्ति हुई। आर्पानेट क्या है? एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, इसे आर्पा बोला जाता था और जब इस पे नेटवर्क का एस्टेब्लिश कर दिया गया, नेटवर्क की खोज की गई तो इसे बोला गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसी एजेंसी के द्वारा जो कि एक डिफेंस एजेंसी थी जिसके द्वारा इंटरनेट को फर्स्ट टाइम यूज किया गया 1970 में, तो इंटरनेट की जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है 1970 to 1980 का जो दशक है उसमें इंटरनेट की उत्पत्ति हुई। इंटरनेट के इन्वेंशन में जो जिनका मेन रोल था उनका नाम था विंडसर्फ। विंडसर्फ ने इंटरनेट की गाइडलाइन को प्रोवाइड किया, इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ को माना जाता है। इंटरनेट एस्टेब्लिश हो गया था 1969 में ही, बट 1970 में उसको प्रूव्ड कर दिया गया। 1970 में इंटरनेट को यूज किया गया आर्पा नेट के अंतर्गत। आर्पा क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक डिफेंस एजेंसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फिर इंटरनेट जो पहली बार यूज किया गया वो 5 नोड्स पर यूज किया गया था इंटरनेट को, और उसके बाद इसका नोड्स बढ़ाते गए और 1974 में टेलनेट की उत्पत्ति हुई जिसके द्वारा कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन किया गया। और इंटरनेट में फिर धीरे धीरे चेंज होता गया। 1972 में रे टॉमलिंसन ने 1972 जो कि आर्पानेट के अंतर्गत ही वर्क करने वाले थे, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का इन्वेंशन किया। ईमेल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है इंटरनेट का, जिससे हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं, फाइलों का ट्रांसमिशन करते हैं। ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। 1980 में WWW आ गया। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया जब इंटरनेट वाइड हो गया। इंटरनेट को बोलते थे वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का आविष्कार किया, फादर ऑफ वेबसाइट कहा जाएगा टिम बर्नर्स-ली को। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया और उसके बाद आपका एक जो इंटरनेट का एक मेन डिपेंडेंट एक प्रोटोकॉल है जिस पर इंटरनेट वर्क करता है, जो कि बहुत ज्यादा रोल है उसका, जिसे हम बोलते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिस पर इंटरनेट का सारा काम डिपेंड करता है। जो सारा ट्रांसमिशन का वर्क होता है वो TCP/IP के माध्यम से होता है और इसकी उत्पत्ति 1982 में। तो इंटरनेट और इंडिया में इंटरनेट जो आया आपका, इंडिया में इंटरनेट फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट आ गया। देखिए हिस्ट्री बहुत है बट हम उसको संक्षिप्त करके बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप विशेष ध्यान देंगे कि इंटरनेट की उत्पत्ति जो हुई 1969 में, लेकिन इसको यूज किया गया 1970 में,
तो इसकी उत्पत्ति चुकी इन्वेंशंस होते गए, नई नई चीजें इसमें आती गई। 1970 से 80 का दशक में एस्टेब्लिश हो गया इंटरनेट आपका, और इंटरनेट को पहली बार यूज कहां किया गया, आरपा के अंतर्गत किया गया। आरपा का पूरा नाम है आरपानेट, जिसे हम कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो एक अमेरिका की एक एजेंसी है जो डिफेंस एजेंसी के नाम से, डिफेंस के लिए ही इसको सबसे पहले ट्रांसमिशन के लिए इसको बनाया गया था। और 1974 में टेलनेट को निजात कर दिया गया। टेलनेट बोला जाता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बोला जाता है। 1974 में टेलनेट आया, जो कई लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया गया उसके माध्यम से, और उस प्रोटोकॉल के थ्रू काम किया जाता था। फिर 1980 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW को निजात कर दिया, जो कि जिन्हें आगे चल के फादर ऑफ वेबसाइट कहा गया, वेबसाइट के जनक टिम बर्नर्स-ली जी हैं। और 1982 में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हुआ, जिसे TCP/IP कहते हैं। और आप देख रहे हैं 1972 में रे टॉमलिंसन ने ईमेल को डेवलप कर दिया। 1970 में इंटरनेट आया, 1972 में रे टॉमलिंसन ने ईमेल डेवलप करा, जो ईमेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरनेट का। हमारा एक मोबाइल नंबर होता है, उसी तरीके से ईमेल एड्रेस होता है, जिससे डेटा का ट्रांसमिशन हम आसानी से कर पाते हैं। 1974 में टेलनेट के माध्यम से कई लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट किए गए, जिससे नेटवर्क पे नोड्स बढ़ाए गए। हमने आपको बताया कि इंटरनेट पहले 5 नोड्स पे यूज किया गया, फिर 7 नोड्स पे, इस तरह से इसका क्राइटेरिया बढ़ता गया। 1980 में WWW के आ जाने के नाते इसका क्राइटेरिया और बढ़ गया, धीरे धीरे ये वाइड हो गया, विश्वव्यापी इंटरनेट कहा जाने लगा। WWW का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड मतलब होता है विश्व, वाइड मतलब होता है व्यापकता, और वेब मतलब होता है इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप कर दिया, जिससे इंटरनेट वाइडली हो गया। और 1982 में आपका TCP/IP आ गया, जिसके माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन जो होता था वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बड़े लाइसेंस तरीके से किया जाता था। प्रोटोकॉल एक मेथड है, एक तरीका है डेटा के ट्रांसमिशन करने का। जब हम एक कंप्यूटर से डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, और भेजने से रिसीव करने तक का जो कंप्लीट मेथड होता है, कहने का मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो कंप्लीट तरीका होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर की, इंटरनेट पर प्रोटोकॉल एक टेक्निकल भाषा है, जिसके माध्यम से, टेक्निकल वर्ड है, जो कंप्यूटर पर कोई भी लेन देन हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं उसे हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। तो प्रोटोकॉल्स, कई टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। हमारी पिछली वीडियो में हम जो मेन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैंने कंप्लीटली विवरण दिया है, और उसके फुल नेम्स को बताया और उसके बारे में समझाया, तो पिछली वीडियो आप जरूर देख लेंगे। हम और आगे आते हैं। मैंने भी आपसे बताया कि 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट आ गया, किसके द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा इंडिया में इंटरनेट फर्स्ट टाइम आ गया, मिलिट्री के लिए इसे यूज किया गया। 15 अगस्त को भारत का महान पर्व होता है, स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी सौगात दी अपने मिलिट्री को। बीएसएनएल के माध्यम से ये इंडिया में पहली बार यूज किया गया। विदेश संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, जिसे आगे चल के टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना गया है। टाटा कम्युनिकेशन जो है वही बीएसएनएल था, बीएसएनएल को चेंज करके टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टाइम इंटरनेट को बीएसएनएल के द्वारा स्टार्ट किया गया, उसके बाद कई सारे प्राइवेट फर्म, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपका है बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल है, इस टाइप के बहुत सारे नेटवर्क्स निजात किए गए। आज के टाइम में तो जियो वगैरह बहुत टाइप के नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं, जिसे हम नेटवर्क ऑपरेटर कहते हैं। कहने का मतलब ISP, इंटरनेट की सर्विस जो प्रदान करता है उसे हम ISP कहते हैं। ISP मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस को प्रदान करता है उसे हम ISP कहते हैं। और ISP वह ऑपरेटर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सेवा को प्राप्त करते हैं, उसे हम ISP कहते हैं। जिस ISP फर्स्ट जो था आपका BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से 15 अगस्त 1995 इंडिया में पहली बार इंटरनेट आया। विदेश संचार निगम लिमिटेड को चेंज करके उसका नाम अब टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद BSNL, एयरटेल, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, जो कि पहले हच के नाम से जाना जाता था, उससे पहले SR के नाम से जाना जाता था वोडाफोन को, आज तो VI के नाम से जानते हैं। जियो है, रिलायंस, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को हम प्राप्त करते हैं।
इस तरह से इंटरनेट धीरे 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 इस्टेब्लिश होता गया और आज का समय है कि ये इतना वाइड है कि हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा है। हर व्यक्ति इसका एक आज आपके दैनिक जीवन में इंटरनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेट के माध्यम से हम हर वो काम कर लेते हैं जो कि जिसके लिए हमें ना कहीं, जैसे इंटरनेट से हम कोई भी काम कर लेते हैं, इंटरनेट पर अपना हम वीडियो देख लेते हैं, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम शॉपिंग कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम टिकटिंग कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम बैंकिंग का पूरा काम कर लेते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गया है आज के दैनिक जीवन में। इंटरनेट का बहुत ही यूज है, बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटोकॉल, जबकि इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं पीछे, तो आप प्रोटोकॉल्स को देख लेंगे थोड़ा सा। प्रोटोकॉल्स क्या है, मैंने अभी आपसे बताया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है तो डेटा को भेजने से रिसीव करने का जो कंप्लीट मेथड होता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिस पर आपका इंटरनेट कंप्लीटली डिपेंड करता है। इसमें आईपी एक अलग प्रोटोकॉल है और TCP एक अलग प्रोटोकॉल है। आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैंने भी आपको बताया कि TCP/IP का यूज क्या होता है, जब इंटरनेट पे डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है तो TCP का काम होता है डेटा को पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देना, और उन पैकेट्स पर जो उसका गंतव्य का एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है वो आईपी के माध्यम से किया जाता है। बिकॉज आईपी का नाम ही आईपी एड्रेस है। ये प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट पे चलने वाली डिवाइसेस होती हैं, सबका जो आईपी एक असाइन कर देता है, और आईपी एड्रेस जो होता है 4 नंबर का कोड होता है जो 0 से 255 कैरेक्टर के मध्य होता है। आप जानते हैं 0 से 255 कैरेक्टर का मध्य क्या होता है, इसे हम ASCII कोड बोलते हैं। ASCII कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड, इसका जो कोड है 0 से 255 तक कैरेक्टर्स तक के होते हैं। तो जो आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, जो आईपी एड्रेस बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस को लिखा जाता है। आईपी एड्रेस एक इंपॉर्टेंट एड्रेस है, यदि आप अपने मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल का भी एक आईपी असाइन होता है। अगर अभी आपको पता करना है कि हमारे मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है तो आप गूगल पे जाइए और माई मोबाइल आईपी लिख करके डाल दीजिए, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस आ जाएगा। क्योंकि बिना एड्रेस का कोई डिवाइस सेंस नहीं किया जाता है इंटरनेट पर। प्रत्येक डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही सुचारू ढंग से किया जाता है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आती है। तो ASCII कोड यूज क्या, कहने का मतलब जो आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं उसमें 0 से 255 कैरेक्टर के बीच में ही कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। तो ये है आपका आईपी लिखने का तरीका, इस तरीके से होता है, इसी तरीके से आईपी एड्रेस को क्रिएट किया जाता है। हम आगे देख लेते हैं जो और सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। FTP, FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे ऑफलाइन प्रोटोकॉल भी हम कह सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे। इसके बाद है आपका टेलनेट, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो 1974 में स्टार्ट किया गया। इस पर कई लोकल एरियाज क्रिएट करके जो आपका लेन देन का ऑप्शन में जो संचार कम्युनिकेशन क्रिएट किया गया उसे टेलनेट किया कहा गया। टेलनेट आपका TCP/IP से पहले टेलनेट का यूज किया जाता था। एक TFTP है, एक TFTP प्रोटोकॉल होता है, ट्रिविलियन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी एक तरीके का फाइल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है, बट इसमें एक थोड़ी सी कमी है, इसका फाइल का सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाता इसमें, इसको TFTP बोलते हैं, ट्रिविलियन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे। आपका TCP/IP है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। TCP/IP को गोफर भी कहा जाता है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका एक ऑफलाइन प्रोटोकॉल है और एक आपका ऑनलाइन प्रोटोकॉल है। TCP/IP की तरीके से एक UDP यूज किया जाता है, UDP को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का भी काम वही होता है, लेकिन जितना क्लियर जितना एक्यूरेट ट्रांसमिटिंग वर्क आपका TCP/IP करता है उतना बढ़िया UDP नहीं करता। UDP को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक आपका ICMP भी होता है, ICMP बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो मैसेज को कंट्रोल करने का वर्क करता है।
इसी तरीके से बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। एक प्रोटोकॉल है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसे HTTP कहते हैं। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि URL के पहले लिखा जाता है। URL में ये प्रोटोकॉल फर्स्ट प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP। HTTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। आप जान रहे होंगे कि जो इंटरनेट का पेज होता है वो HTML पेज पर डिजाइन किया जाता है। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जिस पर वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। बिकॉज वेब पेज पर कोड के थ्रू वेब पेज तैयार किया जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट उस पर नहीं लिखे जा सकते, तो उसकी कोडिंग की जाती है, जिसे हम HTML कहते हैं। आपका HTTP है, ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कोई भी URL बनता है तो HTTP इस तरह से लिखा जाता है, www. जैसे गूगल लिखा हुआ है तो google.com। ये पूरा जो आपका URL है, इसमें पहला जो प्रोटोकॉल होता है, स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसे हम HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया, जो डेटा के ट्रांसमिशन में जो उच्च श्रेणी के टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, कोड यूज किया जाता है, उसे हम HTML के थ्रू बनाते हैं और उसको ट्रांसमिट करने का काम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। जो मेल के लिए प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं, उसे हम SMTP कहते हैं, और एक है आपका POP। SMTP एंड POP, SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड POP का नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ 3 का भी लिखा मिलता है, जिसे हम वर्जन 3 बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये SMTP और POP का रोल क्या होता है, जब मेल को ट्रांसफर किया जाता है तो SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, और सर्वर पर मेल को रिसीव किया जाता है तो POP का इस्तेमाल किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, जिसे हम NNTP कहते हैं। NNTP प्रोटोकॉल जो यूज होता है, इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक समाचार प्रोटोकॉल है, कोई भी समाचार का वर्क जो हम करते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है, जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, देखिए हमने बताया कि इंटरनेट पे जो भी काम होते हैं उस काम को करने के लिए एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रत्येक वर्क के लिए प्रोटोकॉल है। उसी तरीके से न्यूज के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा नाम होता है NNTP का पूरा नाम है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा www के बारे में, URL वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं, फिर हम ब्राउजर्स को समझते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं www के बारे में हम समझ लेते हैं। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो 1980 से स्टार्ट किया गया। हालांकि इस पर जो वेबसाइट कंप्लीटली वर्क करे 1989 से वर्क होता था, 1980 में इसको स्टार्ट किया गया टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कोई भी चीज होती है तो पहले वो डेमो फॉर्मेट में होती है, आगे धीरे 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 वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज 1980 में की थी, जिसे फिर आगे चल के फादर ऑफ वेबसाइट कहा गया, टिम बर्नर्स ली जी, को स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने www को निजात किया। www आ जाने से इंटरनेट का वाइड हो गया, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरा विश्वव्यापी इंटरनेट हो गया, जिसके माध्यम से हम कोई भी लेनदेन, कोई भी ट्रांसमिशन, कोई भी डेटा का वर्क करते हैं और इंटरनेट से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। और इंटरनेट आज के टाइम में इतना बड़ा होस्ट है, जहां से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी हमें जानना है तो सर्च इंजन्स के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट, जैसे बताया कि वेबसाइट कि जनक कह जाते हैं, तो वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, जिसे हम URL कहते हैं। URL एक होता है, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले इसे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहा जाता था, बाद में इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाने लगा, जैसा कि अभी मैंने आपको लिख करके बताया। तो ये है आपका URL, ये कंप्लीट URL, जो पाथ कहा जाता है, कंप्लीट एक डिस्टेंशन पाथ जो होता है वो आपका URL कहा जाता है, जिसमें ये आपका प्रोटोकॉल होता है और ये आपका यूजर नेम होता है और ये आपका लास्ट में डोमेन होता है, DNS कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, DNS। ये है आपका प्रोटोकॉल, ये है आपका यूजर नेम और सर्वर नेम, और ये है आपका DNS। DNS को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, और DNS आप देखेंगे तो DNS में DNS डोमेन नेम होता है और डोमेन कोड होता है। डोमेन नेम है आपका और एक कोड है, जिसे कंट्री कोड भी कहा जाता है। तो DNS जो होता है .com, .edu, .biz, ये सब कुछ ऐसे
आपके डोमिनेंस है डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, मिल्को मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है, एनआईसी कंपनी के लिए को इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्किंग नेटवर्क ऑपरेटर के लिए नेट यूज किया जाता है, बिजनेस वगैरह के लिए बिज यूज किया जाता है, कोड में आप देखें तो डॉट इन लिखा जाता है, डॉट यू लिखा जाता है, ये कुछ ऐसे कोड्स होते हैं कंट्री कोड, जैसे डॉट इन है, डॉट इन बोलते हैं इंडिया के लिए, डॉट एयू ऑस्ट्रेलिया हो गया, डॉट सी ए हो गया आपका कनाडा हो गया, डॉट जेपी जापान हो गया, डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट हो गया, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, डॉट बीके पाकिस्तान हो गया, तो इस तरह से ये कंट्री कोड है। तो ये कंप्लीट आपका डीएनएस कहा जाता है, इसे डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। ये भी एक प्रारूप होता है जो आपका 1983 में समथिंग इसको यूज किया गया डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये कंप्लीट आपका यूआरएल होता है और इसे हम वेबसाइट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं और वेबसाइट्स के भी प्रकार होते हैं, वेबसाइट्स कई प्रकार की होती हैं और वेबसाइट कोई भी वेबसाइट को वर्क कराने के लिए, किसी भी वेबसाइट पर काम करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जिस पर हम इंटरनेट को ओपन करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज कराते हैं, जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर मतलब होता है इंटरनेट को ब्राउज, जिस एप्लीकेशन के अंतर्गत हम कराते हैं उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। तो ये कुछ ब्राउजर्स हमने यहां पर लिख दिए हुए हैं आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मोजेक जो था वो एक ग्राफिकल, फर्स्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, तो मोजेक उसका नाम मैंने यहां पर लिखा नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। मोजेक पहला वेब ब्राउजर था जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता था। उसके बाद है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, ये आपका 95 में ही एस्टेब्लिश करा गया, तब से इंटरनेट एक्सप्लोरर के नए नए वर्जन आ रहे थे, जैसे जैसे विंडोज के संस्करण चेंज होते थे उस तरह से नए वर्जन में इसको इन्वॉल्व किया जाता था, बट जब विंडोज 10 आ गया और विंडोज 10 को 2014 में एस्टेब्लिश किया गया, बट इसे 2015 में लॉन्च करा गया, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज यूज किया जाता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज किया जाता है ब्राउजर के तौर पर। गूगल क्रोम है एक एडवांस ब्राउजर है जो कि आपका विंडोज पर भी काम, पहले विंडोज के लिए इसको बनाया गया था, बाद में आपका लिनक्स एप्पल जो मैक ओएस होता है आईफोन वो सब पर ये काम करने वाला होता है, एंड्रॉइड वगैरह पर भी ये काम करता है आपका गूगल क्रोम, जो कि 2008 में गूगल कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसको बनाया गया है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स एक एडवांस ब्राउजर है, एक ओपन सोर्स ब्राउजर कहा जा सकता है इसको, जो 2002 में स्टार्ट करा गया, 2002 में इसको इन्वेंशन इसका किया गया, और ये भी आपके लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो आपका एप्पल मैक ओएस हो या आईओएस हो, सब पर आपका ये काम करता है। ओपेरा भी अभी एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जो कि 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। एप्पल सफारी मैक ओएस के लिए जो स्पेशल एक ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एप्पल सफारी या सफारी कहते हैं। आपका नेटस्केप नेविगेटर भी एक प्रकार का ब्राउजर है, मोज़ेक भी ब्राउजर है, तो कई इस टाइप के ब्राउजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेट को एक्सेस कराने के लिए। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इसमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो कोई भी ब्राउजर्स के नेम दिए जाते हैं और उसमें से आपको बताना होता है। तो ये कुछ ब्राउजर्स हैं जिस पर इंटरनेट को हम एक्सेस कराते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम इंटरनेट किसी भी डिवाइस में, देखिए कोई भी डिवाइस होगी तो इसमें इंटरनेट अवेलेबल पहले से नहीं होता, उसे हमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है, तब हम उसमें इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पास सारी चीजें हो, ब्राउजर भी हो, डिवाइस भी हो, सारी चीजें हो, बट अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट को यूज करने के लिए, उसका कनेक्शन करने के लिए हमें आईएसपी की आवश्यकता होती है। आईएसपी किसे कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस। अभी मैंने आईएसपी के बारे में आपको बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रदान करते हैं, और इसके माध्यम से जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपके डिवाइस का एक आईपी असाइन हो जाता है, एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को या अपने डिवाइस को इंटरनेट से उसको आप जोड़ करके इंटरनेट के डाटा को सजा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं। ये कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके माध्यम से हमें इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। मैंने
नेटवर्क स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था तो इन सबके बारे में मैंने बताया। हमारी पिछली वीडियोस आप जरूर देख लें, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं उसके ही आगे कंटिन्यू इसको किया हुआ हूं। तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटर भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन इंटरनेट को से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कई टाइप के माध्यम होते हैं। तो कई तरीके से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, लीज लाइन, यूएसबी टेडरिंग, केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट जैसे आपका फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह है, जबकि ब्रॉडबैंड के साथ उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब कुछ ऐसे सिस्टम है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से अपनी डिवाइस को हम इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। आपका जैसे मोबाइल है, मोबाइल से कंप्यूटर, मोबाइल में आपका सिम लगा होता है और नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, हमें केवल डेटा को ऑन करना होता है और इंटरनेट हम एक्सेस कर लेते हैं। बट अपने कंप्यूटर में हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना है तो हमें इन सब में से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे हम इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त कर पाए। और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तब फिर आगे का काम आता है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स में हम इंटरनेट को एक्सेस कराने के लिए वेबसाइट डालते हैं और उस वेबसाइट के अंतर्गत हम वर्क करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि इंटरनेट पे हम जो इम्पोर्टेंट मेन वर्क हम क्या करते हैं इंटरनेट से कर लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन करने के बाद हम ब्राउजर्स को ओपन करते हैं। ब्राउजर्स ओपन करने का तरीका होता है, स्टार्ट बटन पर जाते हैं या विंडो बटन पर आप जाते हैं, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट पेज या गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आपके पास अवेलेबल है उस पर आप क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होकर के आता है। तो यहाँ पर जो ये एड्रेस बार होता है, यहाँ पर आप अपना यूआरएल प्रेषित करते हैं, इसे हम यूआरएल कहते हैं, यूआरएल डालते हैं, फिर वो वेबसाइट आपकी ओपन होकर के आपके सामने आ जाती है। और जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट आप लॉग इन करते हैं, उसमें जो मेन पेज आपके सामने प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। होम पेज कहा जाता है उसे, जो पेज आपके सामने रिप्रेजेंट, पहला किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज आपको मैं बता दूं कि वेबसाइट्स जो होती हैं, कुछ मेन वेबसाइट जैसे कुछ वेबसाइट है जिसे हम सर्च इंजन वेबसाइट कहते हैं, सर्च इंजन वेबसाइट्स होती हैं, सर्च इंजन वेबसाइट्स होती है जिसके माध्यम से जैसे हमें किसी भी वेबसाइट का ज्ञान नहीं है तो सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कीवर्ड्स उसमें प्रेषित करते हैं तो उससे रिलेटेड सजेशन हमें प्रोवाइड हो जाता है। तो सर्च इंजन इंटरनेट पर एक्सेस करने का काम करने का एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, जहां से हम इंटरनेट पर अगर हमें कोई भी जानकारी नहीं है इंटरनेट के बारे में तो सर्च इंजन वो ऐसी वेबसाइट है जो कि आपकी एक हेल्पिंग वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बस उसमें आपको अपना रिलेटेड जो भी आपको जानकारी लेनी है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। तो इसी तरीके सोशल साइटें हैं, अगर हम सामाजिक काम करना चाहते हैं, अपने फाइंड फ्रेंड करना चाहते हैं, अपने किसी भी विचार को रखना चाहते हैं, ब्लॉग वगैरह करना चाहते हैं तो माइक्रो ब्लॉग करना चाहते हैं तो सोशल साइटों का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें आपका फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, आइप है, व्हाट्सएप, इन सब टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। एजुकेशनल वर्क करना है तो उसके लिए एजुकेशनल साइट्स होती हैं, कॉमर्शियल वर्क करना है तो उसके लिए कॉमर्शियल साइट होती है, गवर्नमेंटल वर्क करना है तो गवर्नमेंट साइट्स होती है, आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, कोई भी आपका टिकट वगैरह निकालना है तो उसके लिए टिकटिंग वेबसाइट्स होती है, अलग अलग होस्ट की वेबसाइट्स होती हैं आपकी। इसके बाद है अगर आपको बैंकिंग डिजिटल वर्क करना है तो बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट्स के प्रकार होते हैं, वेबसाइट चेंज होता है किस तरह से, डोमेन के आधार पर, जिस तरह से डोमेन आप यूज करते हैं उस जैसा वेबसाइट के स्वभाव को डोमेन से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसी आपकी आवश्यकता होती है उस टाइप की वेबसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं। और किसी भी वेबसाइट में जो पर्सनल व्यक्ति की वेबसाइट जो होता है किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और जो ईमेल, एक ईमेल होता है जो किसी यूजर का होता है, कंपनी का भी होता है और यूजर्स का होता है। ईमेल को लिखा जाता है जैसे है ये मेल है और इस मेल में दो पार्ट होते हैं, मेल के दो हिस्से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ईमेल का कंप्लीट नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये @ से बटा हुआ होता है, फर्स्ट जो होता है वो अकाउंट नेम होता है और लास्ट सेकंड वाला दूसरा भाग जो इसका होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं, अकाउंट नेम एंड डोमेन नेम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं ईमेल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ईमेल, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्क, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी बस इतना जाना है कि ईमेल में दो पार्ट होते हैं और एक होता है आपका अकाउंट नेम और एक साइड होता है आपका डोमेन नेम। अब हम देखते हैं इंटरनेट पे जो हम काम करते हैं, क्या क्या काम हम करते हैं इंटरनेट पे, ज्यादातर हम क्या करते हैं उसे हम देख लेते हैं। इंटरनेट पर जो हम बेसिक वर्क करते हैं, जो इंटरनेट पे हम काम करते हैं उसे आप देख लेंगे। वेब ब्राउजिंग,
पहला काम हम ब्राउजिंग का करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन करने के बाद इंटरनेट को हम ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं अपने वेब ब्राउजर्स पर। नेक्स्ट हम सर्फिंग का काम करते हैं। सर्फिंग शब्द का पहले बार यूज मार्क मैकिल ने किया हुआ था। सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के पेज को ओपन करना, उसमें इधर उधर जाना, उसमें सर्फ करना, उसमें सर्च करना, लिंक करना, कुछ भी देखना, ये सारा काम हम सर्फिंग के थ्रू करते हैं। तो कहने का मतलब इंटरनेट पर हम जो भी काम करते हैं, जब तक हम उसे डाउनलोड या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तब तक वो इंटरनेट पे सर्फिंग कहा जाता है। सर्फ करना, घूमना, टहलना इंटरनेट पर, इधर उधर कुछ भी फोटो देखना, बैक करना, प्रीवियस जाना, फॉरवर्ड करना, लिंक करना, किसी भी हाइपरलिंक पर क्लिक करके उसके अंदर जाना, ये सब आपका सर्फिंग के अंतर्गत आता है। जिसे लिंकिंग या सर्चिंग भी हम करते हैं, लिंकिंग करते हैं, तो सब सर्फिंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट डाउनलोडिंग, जब हम इंटरनेट से कोई भी काम अपने डिवाइस पर लेते हैं, इंटरनेट से जब डिवाइस पर लेते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। कहने का मतलब इंटरनेट से जो इंटरनेट होता है आपका, इंटरनेट से अपने डिवाइस पर आप कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। और जब हम अपने डिवाइस से कुछ भी इंटरनेट पर भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग। देखिए, अपलोडिंग का साइन ऐसा होता है और डाउनलोडिंग का साइन ऐसा होता है। डाउन मतलब होता है नीचे, अप होता है ऊपर। तो हम मानते हैं कि इंटरनेट जो है एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। इंटरनेट से जब हम कोई भी डेटा लेते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब हम अपनी डिवाइस से इंटरनेट पर कोई भी डेटा प्रेषित करते हैं तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। कहने का मतलब इंटरनेट पर डेटा को भेजना अपलोड कहा जाता है, और इंटरनेट से कोई भी डेटा रिसीव करना, प्राप्त करना डाउनलोड कहा जाता है। तो ये भी इंटरनेट पर वर्क करा जाता है इस तरीके। उसके बाद आपका चैटिंग, चैट करना मतलब होता है बातचीत करना। इंटरनेट से जो हम चैटिंग का काम करते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड से, किसी व्यक्ति से भी जो हम बातचीत करते हैं, तो उसे हम चैटिंग कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी हम करते हैं। चैटिंग तीन तरीके से होती है, जिसमें आपका है SMS चैटिंग, वॉइस चैटिंग एंड वीडियो चैटिंग। इंटरनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है चैटिंग। चैटिंग में वीडियो, वॉइस एंड SMS चैटिंग हम करते हैं। आपका ईमेलिंग का, ईमेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इंटरनेट का, ईमेल करना। ईमेल के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट की मदद से हम ट्रांसफर करते हैं। ईमेल एक बहुत ही बड़ा इंटरफेस है इंटरनेट का, एक बहुत ही बेस्ट फीचर है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में इसमें कम्प्लीटली इसका विवरण मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ईमेल क्या होता है, ईमेल किसे भेजते हैं, रिप्लाई कैसे हम देते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को। इंटरनेट के माध्यम से हम ई बैंकिंग का वर्क करते हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस किया जाता है उसमें ई बैंकिंग का वर्क होता है। जबकि मैंने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप इसको जान सकते हैं ई बैंकिंग हम कैसे करते हैं। ई टिकटिंग का वर्क इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना, चाहे ट्रेन का हो, बस का हो, प्लेन का हो, होटल का हो, फिल्म का हो, किसी का भी टिकट हमें बुक करना है तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से ई टिकटिंग के माध्यम से बुक कर सकते हैं। ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसे ई कॉमर्स भी कहा जाता है। ई कॉमर्शियल वर्क करने के लिए हम इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ई कॉमर्स का वर्क करते हैं। ई गवर्नेंस का भी वर्क इंटरनेट के माध्यम से होता है। ई कॉमर्स में B2B, B2C, C2C, तदाई गवर्नेंस, G2G, G2C, G2B एंड G2E, ये सब आपके, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं इंटरनेट के जो हम करते हैं इंटरनेट पर, ये सब वर्क होते हैं। इन सबसे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं इंटरनेट पे। आज के टाइम में बहुत सारा वर्क होता है, लेकिन ये कुछ मेन वर्क होते हैं जो इंटरनेट पे हर व्यक्ति लगभग यूज करता है। ब्राउजिंग करना, सर्फिंग करना, डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना, इसके बाद मेलिंग का वर्क हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, चैटिंग, ये लगभग लोग करते हैं। तो वो चीजें आपको मैंने यहां बताया कि ये कुछ वर्क होते हैं, तो ये इंटरनेट पर कह सकते हैं कि ये कुछ बेसिक वर्क्स जो इंटरनेट के होते हैं वो आपके सामने मैंने यहां व्यक्त किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो इंटरनेट पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी साइटें होती है, जैसे सर्च इंजन है या फिर सोशल साइटें हैं, तो उसकी कुछ नाम आपको लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन वेबसाइट्स हैं, जैसे आपका है Google.com, Yahoo है, Hotbot है, MSN है, Bing है, DuckDuckGo है, Baidu है, Lycos है। तो ये कुछ सर्च इंजन वेबसाइट्स हैं आपकी, जिस पर हम कोई भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट पे के काम को आसान करने के लिए सर्च इंजन वेबसाइट्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट गूगल है। इन सबके बारे में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सोशल साइट्स में आप देख लें, सोशल साइट्स में आपका है फेसबुक है। कुछ सोशल साइटें हैं जिस पर हम सामाजिक वर्क करते हैं या किसी से अपने फ्रेंड से मिलते हैं। कुछ सोशल साइटें हैं आप देखें, जिसमें आपका फेसबुक है,
ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, हाइक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, गूगल प्लस है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सोशल साइटें और इंस्टेंट मैसेजिंग साइटें जो हैं वो आपके सामने अवेलेबल है। तो ये सर्च इंजन्स हैं और ये सोशल साइटें हैं। तो ये रहा आपका इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेंगे। तो इस वीडियो को आप केयरफुली देख लेंगे, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे, या वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको उसका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।